मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रश्मि। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम लाइव पर। आज हम करने वाले हैं आपके साथ बात एक बार फिर से यहां पर दिलीप कुमार को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि दिलीप कुमार, जिनका आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया, उनके अचानक इस निधन ने सभी को चौंका दिया। काफी लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो अकेली रह गई और काफी ज्यादा वो अपने पति दिलीप कुमार के निधन से टूट चुकी है। बता दें कि सायरा बानो, दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानो अकेली रह चुकी है, काफी ज्यादा शॉक्ड है, सदमे में है कि आखिर वो अब अकेले अपने पति के बिना कैसे रहेगी। ऐसे में अब सायरा बानो के पति दिलीप कुमार का एक और सच सामने आया है। बता दें कि निधन के बाद दिलीप कुमार का वो इंटरव्यू सामने आया जिसमें दिलीप कुमार ने अपने बच्चों को लेकर किया था बड़ा खुलासा। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अपने और सायरा बानो के बच्चे को लेकर बड़ा खुलासा किया था। वो खुलासा क्या था, देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि निधन के पहले दिलीप कुमार ने दिया था अपने बच्चे से जुड़ा खुलासा। दिलीप कुमार ने खुद किया था, यहाँ तक कि इस सच को बताते हुए आंसू बहने लगे थे दिलीप कुमार की आंखों से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें आप सभी को कि दिलीप कुमार ने खुद अपने बच्चों पर खुलासा किया। अब क्या है उनके बच्चों का सच, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि आज का दिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री लोगों के लिए और फैंस के लिए सबसे बुरा था। दरअसल आज ही के दिन बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर होने वाले एक्टर दिलीप कुमार का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें आप सभी को कि आज ही के दिन दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार इस मामले में काफी ज्यादा खुशकिस्मत थे कि उन्हें उनकी जिंदगी में हम सफर के तौर पर उनकी पत्नी सायरा बानो मिली, जिसने हर पल हर दम उनके पति दिलीप कुमार का साथ दिया। उनके दिल में हमेशा इस बात की खटास रही और जो आखिरी दम तक रहेगी कि आखिर कैसे कि उनकी ताउम्र एक दूसरे के साथ तो बीत गई प्यार के साथ, लेकिन उनके जिंदगी में कोई भी बच्चा नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार के मन में ये बात थी कि वो कभी भी पिता नहीं बन पाए, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता भी होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। दिलीप कुमार ने इस राज का खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया था। जी हाँ, 1972 ये वो साल है जब दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी और यहाँ पर हुआ था एक बड़ा हादसा। दिलीप कुमार ने बताया था कि सायरा बानो पहली बार 1972 में प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी होने पर भी सायरा बानो बीपी की बीमारी की शिकार हो गई। बीपी की परेशानी उनकी बढ़ती गई, जिसके चलते सायरा बानो का मिसकैरेज हो गया। इस बारे में दिलीप कुमार ने अपनी किताब में लिखा है, 8 महीने की प्रेगनेंसी होने पर भी हमने अपने बच्चे को खो दिया था। सायरा बानो का हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें बचाने के लिए सर्जरी नहीं की और बस यहां पर सायरा बानो का इसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके बच्चा उनके पास नहीं रहा और दिलीप कुमार कभी भी पिता नहीं बन पाए। इसके कुछ साल बाद ही 1982 में ये खबर सामने आई थी कि दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली है।
दिलीप कुमार ने खुद इस बात पर खुलासा किया था। यहाँ तक कि दिलीप कुमार इस बात पर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आपको बता दें कि सायरा बानो को जब इस खबर का पता चला तो सायरा बानो पूरी तरह से टूट गई थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि बच्चे की चाहत में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की है। खबरों में दिलीप कुमार को बुरी तरह से हिला दिया था। तब उन्होंने सायरा बानो की प्रेगनेंसी और मिसकैरेज के बारे में सबको बताया था, जिसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था। दिलीप कुमार ने किसी तरह से दूसरी शादी के उस विवाद से बाहर निकले और एक बार फिर से सायरा बानो के साथ हंसी खुशी रहने लगे, पर मन में अपनी इच्छा दबा ली कि काश वो भी पिता बन पाते, कोई बच्चा उनके पास होता जो उन्हें पिता कहकर बुलाता। बता दें कि इस बारे में दिलीप कुमार ने किताब में भी लिखा था, एक सवाल है जो मन में हमेशा रहता है कि क्या बच्चा ना होने की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, पर अच्छा होता अगर हमारे बच्चे होते, लेकिन ये हमारे लिए कोई कमी की बात नहीं है। मेरा पूरा परिवार मेरे बच्चों की तरह है। हमारी जिंदगी के सारे दिन मेरे भाई बहनों ने बच्चों के साथ बिताए हैं, जो स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में हमसे मिलने आते थे और साथ रहते थे। हमें उनका घर में रहना, हंसना, खिलखिलाना काफी पसंद था। हमें पेरेंट्स की तरफ से फील करवाने के लिए वो काफी थे। जब वो बहुत छोटे थे तो मेरे पास आए थे और मेरे साथ खेलते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो मेरे पास खेलने आते थे। जी हाँ, ये है पूरी खबर यहाँ पर दिलीप कुमार की, जहाँ पर दिलीप कुमार ने खुद अपने बच्चे ना होने को लेकर दर्द भरा खुलासा किया था और साथ ही अपनी पत्नी के मिसकैरेज को लेकर भी खुलासा किया था कि किस तरह सन 1972 में वो प्रेग्नेंट तो हुई थी, लेकिन एक गलती की वजह से, एक फैसले की वजह से उनके बच्चे का मिसकैरेज हो गया, उनका बच्चा नहीं रहा और वो जिंदगी भर ताउम्र बिना बच्चे के रहे। दिलीप कुमार और सायरा बानो, जिसके लिए आज भी दिलीप कुमार के दिल में चाहत थी, लेकिन उनका ये सपना, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। नेक्स्ट टाइम लाइफ से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर दिलीप कुमार ने बताया था सच कि अगर उनके भी बच्चे होते तो वो काफी ज्यादा खुश नसीब होते, क्योंकि उन्हें भी कोई पिता कहने वाला होता, उनकी पत्नी को कोई माँ कहने वाला होता। और ये शब्द सुनने के लिए मैंने ताउम्र इंतजार किया, लेकिन हमें बच्चों की खुशी नसीब नहीं हुई। तो ये है पूरी खबर दिलीप कुमार को लेकर, जहां पर उन्हें ताउम्र इस बात का खेद रहा कि वो बच्चों के माता पिता नहीं बन पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।